गाइस ये सोचो कि ये एक बंदूक है, ये एक पिटबुल है, और इसको यहाँ पे रख के बंदूक को बोली जरा देख, जरा जल्दी आ, बंदूक को यहाँ पे रख के बिल्कुल उसके सर पे, और मैं गोली शॉटगन से गोली चला दूँ, और एक भी नहीं दो दो कुत्तों के ऊपर मैं ऐसे गोली चला दूँ। ऐसा आप सोच के भी सोच रहे हो कि यार ऐसा कौन करेगा, ये ऐसा हुआ है, और पता कहाँ हुआ है, ये लंदन में ऐसा हुआ है, यूके में ऐसा हो गया। तो ये देखो यार, मतलब छः हट्टे कट्टे पुलिस वाले और सारी चीज़ें हथियार वत्यार सारी चीज़ें, कुत्तों को गोली मार रहे हैं, लीज डॉग बंधे हुए कुत्तों को गोली मार दी, क्योंकि क्यों, वो पिटबुल थे और जो उनका ओनर था ना वो बेचारा होमलेस था। तो ये सिचुएशन यहाँ पे इंडिया में जल्दी से जल्दी ना बन जाए यार, इसकी मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी। पहले तो क्या करा उन्होंने, जो होमलेस बंदा था उसको टेजर गन से मारा, वो बेहोश हो गया, और फिर कुत्तों को भी दो शॉट गन मारी और उड़ा दिया। मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ कि रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना चाहिए आपके डॉग का। जो डॉग ओनर्स हैं, कंपेनियंस हैं, वो बड़े ट्रेंड होने चाहिए, उनको पहले ट्रेनिंग लेनी चाहिए, खुद को मतलब ट्रेन होना चाहिए, पपी के साथ स्टार्ट करना चाहिए, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ इनको पालना चाहिए, रेज करना चाहिए, ठीक है। और ये रूल्स होते हैं कुछ, और मेरे साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है, मतलब इतना खतरनाक तो नहीं हुआ और होने भी नहीं।